गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा डे 3 है हेल्दी ईटिंग का। मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ और अपने दिन की शुरुआत करूंगी एक गिलास गरम नींबू पानी के साथ। और जिन लोगों ने डे 1 और डे 2 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देख सकते हो। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने दिन की शुरुआत में। ओके, तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। आज मेरे को मैगी खाने की मन हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मैगी की तरह दिखने वाली चीज़ ही खा लेती हूँ तो, और वो हेल्दी ऑप्शन भी हो जाएगा। तो आज मैंने बनाया है वेजिटेबल वर्मिसली। ये सेवई होती है जो आप लोगों के घर में नॉर्मली दूध के साथ भी बनती होगी, और बहुत से लोगों को दूध और चीनी के अलावा मसाले वाली भी पसंद है, तो मैंने वही करा है। इसमें थोड़ा सा प्याज, टमाटर और करी लीव्स डालती थी, आपने रेसिपी तो देख ही ली होगी। अभी मटर नहीं थे, नहीं तो आप इसमें मटर भी ऐड करते तो बहुत ही अच्छा दिखता, कलरफुल भी दिखता और बहुत टेस्ट में भी बहुत अच्छा हो जाता। तो मैं अपने ब्रेकफास्ट में ये इंजॉय करूंगी। आज मैंने हाफ कप बनाया है, बट आप 1 कप भी बना सकते हो। आपको भूख लग रही होगी आई नो, बिकॉज अगर कल रात को आपने एक रोटी खाई है तो सुबह आपको बहुत भूख लग रही होगी, तो इसीलिए आप 1 कप आराम से ले सकते हो। मेरे पास जो मेजरिंग कप है ना, मैं उसके हिसाब से आपको बताती हूँ। तो उस मेजरिंग कप के हिसाब से आप 1 कप ये वेजिटेबल वर्मिसली आराम से ले सकते हो, ठीक है। देखो, मुझे तो आदत हो चुकी है, मेरे को वेट लॉस की जर्नी में ही अराउंड मैंने फेब या मार्च से ये जर्नी स्टार्ट करी थी और आज सितंबर आ गया है, तो मुझे इतने मंथ्स हो गए हैं। तो मैंने खुद को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर लिया है, खुद के दिमाग को और बॉडी को, कि मुझे कितना खाना और कितना नहीं खाना है। बट हाँ, अभी आपकी स्टार्टिंग है वेट लॉस जर्नी में तो थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट लगेगा और लगेगा कि नहीं खा लेता हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम खुद को स्टार्व करना है। देखो, मैं आपको स्टार्व करना नहीं सिखा रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ आपको कि आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। जो आप पहले ज़्यादा खाते थे, अगर पहले आप 4 खाते थे तो अब आप वो हाफ कर दो, आप 2 खाओ या 1 खाओ, ठीक है। और मैं ये भी बता रही हूँ कि च्यू कर करके खाओ, आराम आराम से चबा चबा के इंजॉय कर करके खाओगे तो आप चाहे कुछ भी खाओगे तो कभी भी आपका वेट गेन हो ही नहीं सकता, अगर आप उस चीज़ को इंजॉय करोगे, ठीक है। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ, आराम से चबा चबा के खाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक्स पे। ओके गाइस, तो अब टाइम हो गया है मिड मॉर्निंग स्नैक का, दिन के 12 बज गए हैं। तो आज मैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स पे ले रही हूँ 1 ग्लास छाछ। यस, मुझे छाछ बहुत पसंद है तो मैं इसी टाइम पे 1 ग्लास छाछ पी लेती हूँ। बट अगर आपको फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हो और आपको आदत है कि डेली एक फ्रूट खाना है तो आप एक फ्रूट इस वक्त ले सकते हो। कोई भी एक फ्रूट ले लीजिए, आप कॉम्बिनेशंस अवॉइड कीजिए, लाइक एक एप्पल या एक बनाना या एक ग्वावा, कुछ भी आप एक लीजिए बट उसको कॉम्बिनेशंस में मत लीजिए। एंड लिमिट में यस, एक ही फ्रूट लेंगे आप अगर आपको बहुत पसंद है तो। मैं अब अपनी मिड मॉर्निंग स्नैक को एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे लंच पे।
अब हो गया है डिनर का टाइम, बज गए हैं रात के 8:30। तो आज डिनर की थाली में है, ये है पालक पनीर, थोड़ी सी कड़ी है और एक रोटी है जो मैंने आपको कल दिखाई थी, जिस तरीके से मैंने आटा गूंदा था इसमें सब्जी डाल के, ये वो रोटी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक रोटी आपके लिए सफिशियंट नहीं है और आपको बहुत भूख लग रही है तो आप एक रोटी और ले सकते हो, पर पहले आप एक रोटी को आराम से चबा चबा के इंजॉय करके खाइए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अभी भी भूख लग रही है तो आप एक रोटी और लेना। तो अब मैं अपना डिनर इंजॉय करती हूँ और इसको आराम आराम से चबा चबा के खाती हूँ, 32 टाइम्स चबा चबा के खाती हूँ, और आपसे मिलती हूँ मैं नाइट ड्रिंक पे। मेरा नाइट ड्रिंक का, मैं अपने जिंजर वाटर को एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल के एक नए व्लॉग में। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरे टिप्स और ट्रिक्स जो वेट लॉस जर्नी के हैं थोड़े भी यूजफुल लगे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत है। मिलती हूँ आपसे कल के एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।